सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि 59 ऐप्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैन कर दी गई हैं, बट मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि टिकटॉक जो है वो प्ले स्टोर से हट चुका है, बट जो यूसी ब्राउज़र है वो प्ले स्टोर पे उस टाइम अवेलेबल था। सो मैंने थोड़ा वेट किया एंड देन मैंने कन्फर्म करने के लिए वापस से प्ले स्टोर ओपन किया। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च किया क्लब फैक्ट्री, बिकॉज क्लब फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग करते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्लब फैक्ट्री जो है वो परमानेंटली यहाँ से हट चुका है, डिलीट हो चुका है। स्नैपडील है, अमेज़ॉन है, बट क्लब फैक्ट्री नहीं है। सो दूसरी जो एप्लीकेशन मैंने सर्च की वो है शीन। सो यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं शीन। सो उससे भी बहुत ज़्यादा लोग क्लोथ्स बाय करते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि शीन भी नहीं है, ज़ारा है एंड H&M है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि परमानेंटली शीन भी यहाँ से हट चुका है। देन मैंने यूसी ब्राउज़र सर्च किया, बिकॉज इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, एंड आप लोग देख सकते हैं कि यूसी ब्राउज़र भी यहाँ से हट चुका है। सो फाइनल जो मैंने सर्च किया वो था टिकटॉक। सो टिकटॉक मैंने लास्ट वीडियो में भी सर्च करके आपको बताया था कि वो हट चुका है परमानेंटली, बट मैंने फिर से सर्च किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टिकटॉक नहीं। सो गाइज, अब बात आती है कि क्या टिकटॉक वापस आ सकता है, क्या टिकटॉक के ऊपर से बैंड हट सकता है। सो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार टिकटॉक थोड़े दिन के लिए बैंड हुआ, जैसे कि पिछली बार बैंड हुआ था एंड फिर वापस आ जाएगा। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड गाइज, मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ जो कि टिकटॉक इंडिया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है कि 59 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है, यानी कि बैन कर दिया है, एंड उसमें से टिकटॉक भी इंक्लूड है। एंड इनका कहना है कि जो टिकटॉक है वो किसी का भी पर्सनल डाटा चोरी नहीं करता है एंड ना ही किसी कंट्री को देता, स्पेशली चाइना के गवर्नमेंट को नहीं देता है। तो यार आप खुद सोचो कि चोर चोरी करके खुद से बोलेगा कि हाँ मैंने चोरी की है, तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। गाइज, यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट इन्होंने दिया है कि हम लोग वापस से, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक मीटिंग दी है कि हम मीट करके वापस से टिकटॉक के ऊपर से बैंड हटाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। एंड अगर कोई मतलब 99.9% एंड गाइज, टिकटॉक पर से बैंड हटना ये इम्पॉसिबल है, एंड ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई बहुत ही ज़्यादा पैसे दे के टिकटॉक पर से बैंड को हटवा दे। तो गाइज, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड थोड़ी बहुत नॉलेजेबल भी लगी होगी। सो इस बात पे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।